ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें AstroEdify चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का AstroEdify पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु चांडाल योग किन परिस्थितियों में बनता है, इसका कैसे निर्माण होता है, इसके परिणाम कैसे होते हैं और इसके कुछ उपाय जो हो सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु चांडाल योग का निर्माण कैसे होता है। बेसिक डेफिनेशन के ऊपर अगर जाएं तो गुरु यानी कि बृहस्पति और चांडाल यानी कि राहु या केतु, इन दोनों में से किसी के साथ जब भी युति में स्थित हो कुंडली में तो उसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो जब भी बृहस्पति राहु एक साथ हों या बृहस्पति केतु एक साथ हों कुंडली में किसी भी व्यक्ति की, तो उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। पर अगर हम सिर्फ इस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो हम इस योग को, इस योग के परिणामों के बारे में कुछ जान नहीं सकते। हर योग का अपना अपना एक वेरिएशन होता है और ख़ास तौर से गुरु चांडाल योग में भी वेरिएशंस हैं, कई सारी भिन्नताएँ होती हैं और ये निर्भर करती हैं बृहस्पति की स्थिति के ऊपर। बृहस्पति की यदि स्थिति अच्छी है तो ये योग अच्छे परिणाम देता है। यदि बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर है तो इस योग के काफ़ी नकारात्मक परिणाम भी देखने को जीवन में मिलते हैं। तो गुरु चांडाल योग को जब भी देखें तो इसके वेरिएशंस जिनके बारे में आज हम जानेंगे उनको ज़रूर देखें। सिर्फ इस बात पर जाना कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है और इसको सुन करके भयभीत हो जाना, इसमें कुछ रखा नहीं है, इसका अर्थ ही नहीं है, ये व्यर्थ की बात है। आप समझें कि क्या सही मायनों में आपका गुरु चांडाल योग वैसे परिणाम दे सकता है जो कि नकारात्मक होते हैं, या उसकी शक्ति ऐसी है कि वो आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। तो गुरु चांडाल को समझना ज़रूरी है और इसको समझने के लिए एक ही चीज़ है, राहु केतु यहाँ पर मैटर नहीं करते। यहाँ पर अगर कोई मैटर करता है सबसे ज़्यादा तो वो है गुरु। यदि गुरु की स्थिति, यदि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो फिर ये योग अच्छा होगा, यदि खराब है तो ये योग नकारात्मक हो जाएगा। और उन्हीं वेरिएशंस के बारे में अब हम जानते हैं जिससे कि आप समझ सकें कि सही मायनों में गुरु चांडाल योग कैसा हो रहा है। क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो थोड़ा निगेटिव है, क्या वो पूरा वर्स्ट कैटेगरी में है, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो देखिए, जब भी गुरु जो है, अब गुरु की स्थिति को देखना आपको ज़रूरी है। गुरु चांडाल योग तो आप समझ गए, गुरु और राहु या गुरु और केतु ये दोनों साथ में हैं, किसी भी भाव में हो ये मैटर नहीं करता। पर अब गुरु की स्थिति को आपको देखने के लिए कंजंक्शन जब हम देखते हैं, आपको डिग्री को देखना चाहिए कि दोनों ग्रह एक दूसरे से कितनी डिग्रीज पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित हैं। यदि राहु और गुरु एक साथ हैं, गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि उनकी डिग्रीज क्या हैं। यदि ये डिग्री का गैप 6 से 7 डिग्री का है तो ये बहुत टाइट कंजंक्शन माना जाएगा, बहुत मजबूत कंजंक्शन माना जाएगा और गुरु चांडाल योग बहुत पावरफुल माना जाएगा। और सेम चीज़ केतु के साथ भी। और यदि ये डिग्रीज़, अगर राहु की डिग्रीज़ कम है, बृहस्पति की डिग्रीज़ ज़्यादा हैं, तो ये एक शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन को एक तरीके से चलाने वाला, युति को चलाने वाला ग्रह राहु बन जाएगा। यानी कि ड्राइविंग सीट पर अगर अब कोई ग्रह है तो वो है राहु, ना कि बृहस्पति। तो बृहस्पति अब राहु के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा, तो ये स्थिति शुभ नहीं होती। कि अगर 6 से 7 डिग्री का गैप आ रहा है और जिसमें से भी राहु की डिग्रीज बृहस्पति से कम है, तो ये गुरु की स्थिति को कमज़ोर कर देती हैं, यानी कि बृहस्पति अब कमज़ोर होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्रीज़ को देखें। अब ये गैप बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 15 डिग्री का, 18 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, इतना गैप है, तो ये योग के इफ़ेक्ट्स उतने कम होते जाएंगे। क्योंकि अब ये योग जो है, योग बनता है दो ग्रहों के बीच में। अब दो ग्रह जो जितने पास स्थित हैं उतना जो है ये योग मजबूत हो जाएगा, अब जितना दूर स्थित है उतना ये नॉन एग्जिस्टेंट होते चले जाएगा, यानी कि अब उसके परिणाम उतने फेड करते चले जाएंगे, उतने आपके जीवन में उसके परिणाम दिखाई नहीं देने लगेंगे। हालांकि
ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट वैनिश हो गया, खत्म हो गया, होगा, पर उसकी स्ट्रेंथ या प्रबलता कहें, इंटेंसिटी कहें, वो कम हो जाएगी। तो डिग्री का गैप बहुत ज़्यादा है तो ये योग उतना मजबूत नहीं है। डिग्री की गैप अगर कम है तो ये योग जो है डेफिनेटली मजबूत है। तो पहली चीज़ तो आपको डिग्री देखनी है। अगली चीज़ है कि आप बृहस्पति की स्थिति को देखें। ये आपको देखना है कि बृहस्पति कैसी राशि में स्थित है। राशि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। राशि और भाव, खास तौर से राशि, किस राशि में बृहस्पति स्थित है, वो बृहस्पति को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकती है और वहीं उसको पूरी तरीके से कमज़ोर भी कर सकती है। यदि बृहस्पति नीच राशि में है, शत्रु राशियों में है, और खास तौर से अन्य पाप ग्रह भी उसको दृष्टि देते हैं, जैसे मंगल और शनि है, तो बृहस्पति पूरी तरीके से बलहीन हो जाएगा और ये योग यहाँ पर पूरी तरीके से नकारात्मक होगा, जिसमें कि राहु पूरी तरीके से प्रबल है और बृहस्पति के पास कोई बल नहीं बचेगा। और इसीलिए राशि को देखना ज़रूरी है। पर यदि बृहस्पति अपनी खुद की राशि में है या उच्च की राशि में है या मित्र राशियों में है, तो मित्र राशियों में एक एक्सेप्शन है खाली, वो है वृश्चिक राशि। यदि वृश्चिक राशि में बृहस्पति राहु एक साथ है तो वो एक शुभ राशि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राहु नीच का हो जाता है। पर यदि केतु के साथ नहीं होगा, ये केतु के साथ अगर बृहस्पति केतु साथ है और वृश्चिक राशि में है, तो ये एक खराब स्थिति नहीं है। पर राहु और बृहस्पति साथ हैं और वृश्चिक राशि में, तो ये एक खराब स्थिति होती है, क्योंकि राहु वहाँ पे नीच का हो जाता है। इसलिए तो राशि को देखना बहुत ज़रूरी है कि राशि बृहस्पति की कैसी है। अगली चीज़ होती है कि बृहस्पति क्या वक्री है या डायरेक्ट है, ये आपको देखना है। कि वक्री अगर बृहस्पति हो रहा है तो भी बृहस्पति की स्थिति अब कमज़ोर हो जाएगी, उसके पास बल कमज़ोर हो जाएगा। तो जुपिटर को रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, यदि है तो वो एक और निगेटिव चीज़ है यहाँ पर। अगली चीज़ है कि ये तो सारे योग बन गए, खरा भाव भी देखिए, क्या ये योग छठे, आठवें या बारहवें भाव में बन रहा है, और साथ ही साथ इसके ऊपर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये योग और ज़्यादा नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु की स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी, बृहस्पति घटता चला जाएगा। और जितना बृहस्पति घटेगा उतना आप समझते जाइए कि आपका जुपिटर, आपका ये गुरु चंडल योग नकारात्मक फल देगा। यहाँ सिर्फ एक सिंपल रूल है, लॉजिक सिंपल ये है कि जितना ज़्यादा बृहस्पति मजबूत उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट, जितना ज़्यादा बृहस्पति कमज़ोर उतना ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। यही है गुरु चंडाल योग, और इसी चीज़ को आपको कुंडली में समझना है। अगली चीज़ आती है कि नवा भाव और नवे भाव का स्वामी ग्रह भी देखिए। यदि गुरु चंडाल योग बन रहा है, बृहस्पति टोटल पीड़ित है, कमज़ोर है, और नवा भाव का स्वामी या नवा भाव ये भी कुपित स्थिति में है, यानी कि नवा भाव का स्वामी जो है वो खराब भावों में है, खराब राशियों में है, कुपित है, पीड़ित है, नवा भाव में अच्छे ग्रह नहीं स्थित हैं, तो ये क्या दिखाता है कि अब ये गुरु चंडाल योग और ज़्यादा नकारात्मक फल देगा, क्योंकि नवा भाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम गुरु चंडाल योग देखते हैं तो नवे भाव को ज़रूर देखिए। तो यदि वो अच्छा है तो फिर भी जो है कुछ स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, पर यदि वो भी खराब है तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि एक तरफ आपका बृहस्पति पूरा डाउन और दूसरी तरफ नवा भाव और नवे भाव का स्वामी ग्रह भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यदि तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। यहाँ पे नकारात्मक परिणामों की मात्रा जीवन में बहुत अधिक होगी। साथ ही साथ नवमांश कुंडली को देखना न भूलें, क्योंकि वहाँ पे यदि गुरु चंडाल योग रिपीट नहीं कर रहा है तो ये एक अच्छी बात है कि हो सकता है कि भाई जीवन में आगे चल करके समय के साथ जैसे जैसे जीवन में अनुभव बढ़े व्यक्ति का वैसे वैसे जो है इम्प्रूवमेंट पर्सनालिटी में हो सकता है। पर यदि नवमांश कुंडली में भी बृहस्पति कमज़ोर है, गुरु चंडाल योग फिर से रिपीट करता है, नवा भाव नवे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये गुरु चंडाल योग का असर जो होगा वो और ज़्यादा निगेटिव होगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा। और ख़ास तौर से गुरु चंडाल योग के इफ़ेक्ट्स सबसे ज़्यादा, इसके परिणाम देखने को मिलते हैं जब बृहस्पति की या राहु की दशा चलती है। यदि बृहस्पति केतु बना रहे तो केतु या बृहस्पति की दशा चलती है।
दशा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतरदशा हो, जब भी गुरु केतु या गुरु राहु साथ में आएंगे या इनकी महादशा, खास तौर से महादशा सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि महादशा अगर चली तो वो लगभग समझें कि 16 साल तक जो है बृहस्पति की महादशा होती है, और यदि राहु की महादशा से शुरू हुआ तो राहु की महादशा 18 साल पहले राहु और उसके बाद 16 साल फिर बृहस्पति, तो ये एक लगभग जो 34 साल का पीरियड है वो यहाँ पे गुरु चांडाल योग के एक टाइम में बीतता है व्यक्ति का लाइफ में। तो ये ज़रूर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे बनती है कि बृहस्पति की स्थिति को देखना अनिवार्य है। यदि वो नहीं देखेंगे तो आप गुरु चांडाल योग के जो परिणाम है जिनके बारे में अभी हम जानेंगे, उनमें आप उनको आप अपने ऊपर मतलब डायरेक्टली ऐसा सोच नहीं सकते कि हाँ मेरे भीतर ऐसे ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, या किसी व्यक्ति के कुंडली में बन रहा है तो ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो गुरु की स्थिति को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो गुरु चांडाल योग ऐसे बनता है, और क्या चीज़ें आपको देखनी वो हमने जानी। अब हम जानते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं गुरु चांडाल योग के। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग एक शुभ योग नहीं माना जाता है, और यदि ये अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी कि जितना ज़्यादा निगेटिव है बृहस्पति, जितना ज़्यादा कमज़ोर उतना ज़्यादा निगेटिव, तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत अधिकतम समय यही देखने को मिलता है कि इसके जो नकारात्मक परिणाम हैं वही जीवन में व्यक्ति के घटित होते हैं। सकारात्मक परिणाम तभी घटित हो सकेंगे जब बृहस्पति के पास बल मौजूद हो कुंडली में, यदि वो नहीं है तो फिर सकारात्मक परिणाम जो इस योग के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो दिखाई नहीं पड़ते। और इसीलिए ये योग बहुत ही एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन इस योग के इफ़ेक्ट्स को पूरा बदल देता है, जिसमें धरती आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एक ही पोजीशन, बृहस्पति की ही पोजीशन यही डिसाइड कर देती है कि क्या अब वो जो सकारात्मक गुण हैं वो व्यक्ति के भीतर बढ़ जाएंगे, या जो नकारात्मक गुण हैं वो व्यक्ति के भीतर बढ़ जाएंगे। तो अब जानते हैं परिणामों के बारे में। देखिए, पहले जानते हैं कि जो नकारात्मक परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब जो नकारात्मक परिणामों के बारे में हम जानेंगे, उसमें कंडीशन यही है कि बृहस्पति आपका व्यक्ति का कमज़ोर होना चाहिए, तभी नकारात्मक बन जाएगा। तो क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम सकारात्मक परिणामों के बारे में जानेंगे। पहली चीज़ ये होती है कि देखिए क्या है, बृहस्पति अफ्लिक्टेड है, यहाँ पे कुपित है। राहु जो है मलिनता है, बृहस्पति क्या है, पवित्रता है, प्योरिटी। राहु क्या है, करप्शन। तो अगर थोड़ा सा भी करप्शन आता है कोई ऐसी पवित्र जगह पे, तो वो पवित्र जगह को मलिन कर देता है। तो यहाँ बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक। व्यक्ति के लिए जीवन में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाती है, खास तौर से यदि बृहस्पति शिक्षा को आपकी कुंडली में कंट्रोल कर रहा है यदि, तो ये बहुत अधिकतम समय देखने को भी मिलता है कि ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाती है। और ज्ञान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अलौकिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो, यानी कि आपका स्कूल की पढ़ाई है या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या कोई अलौकिक दिव्य ज्ञान है, कुछ भी हो उसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन होती है व्यक्ति के लिए। और यदि ज्ञान प्राप्ति होती भी है व्यक्ति को, तो व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाता, गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु बृहस्पति के उस ज्ञान को मजबूर करता है कि आप इस सकारात्मक ज्ञान को गलत पथों के लिए गलत इस्तेमाल करें उसका। ये है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यदि व्यक्ति को ज्ञान एक तरीके से अगर प्राप्त होता भी है, तो पूर्ण रूपेण जो सत्यता वाला ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो कभी प्राप्त नहीं होता जीवन में। कोई भी विषय हो, वो कोई भी विषय वस्तु हो, किसी चीज़ के बारे में भी अगर नॉलेज की बात करें, तो 100% नॉलेज तो वैसे भी किसी को प्राप्त नहीं होती, पर एक एसेंस ऑफ नॉलेज, एक एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट, वो यहाँ प्राप्त नहीं होगा कभी जीवन में। यानी कि व्यक्ति और अब जो है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ भी है, उसमें उसके कारण व्यक्ति के भीतर अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार आना शुरू हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको अपने ज्ञान के ऊपर गुरूर हो जाए, ज्ञान के ऊपर घमंड हो जाए, ज्ञान के ऊपर गर्व हो जाए कि हमें बहुत आता है, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं,
वो बृहस्पति और राहु की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। गुरु चांडाल का एक बेसिक एक तरीके से गुण है ये, वो यहाँ हम देख सकते हैं। और वो जो झूठा अहंकार है वो राहु यहाँ भरता है, और ख़ास तौर से यदि सूर्य इसके संपर्क में अगर आ गया तो व्यक्ति का ईगो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी बातों में अपने ईगो पर चीज़ों को लेने लगते हैं, वो एक चीज़ होती है। और सबसे ख़राब स्थिति यहाँ ये बनती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली स्थिति। क्योंकि यदि आपके पास एक एसेंस ऑफ दी सब्जेक्ट है नॉलेज कि सच्चा ज्ञान होता क्या है, तो आप कभी भी ज्ञान के ऊपर अपने कभी गुरूर नहीं कर सकते। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जितना ज़्यादा विद्या होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति विनम्र होता चला जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ज्ञान का सागर इतना असीम है कि उसका एक जीवन भी अगर वो पूरा समर्पित कर दे तो इतना सफिशियंट नहीं है कि वो सारा ज्ञान एक्यूमुलेट कर पाए अपने जीवन में। और बृहस्पति और गुरु और राहु जब साथ होते हैं तो ये स्थिति वहाँ होती ही नहीं है। यहाँ पर थोड़े से ज्ञान में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे बहुत कुछ सीख लिया मैंने जीवन में, इतना तो लोग जानते ही नहीं हैं, ये वाली स्थिति होती है। अगली एक बात है कि यहाँ पर षडरिपु की मात्रा बहुत बढ़ती है। राहु क्या है? षडरिपु। राहु षडरिपु का अर्थ है छह विकार, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य, छह विकार हैं। बृहस्पति क्या है? आपके भीतर की नैतिक मूल्य, आपके भीतर की अच्छी आदतें। और राहु क्या है? करप्शन, तो वो मलिन कर देता है बृहस्पति को। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब व्यक्ति के भीतर षडरिपु की मात्रा बढ़ती है, तामसिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, ईर्ष्यालु स्वभाव प्रदान कर सकता है, व्यक्ति के भीतर ऐसी प्रवृत्ति देता है कि व्यक्ति गुरु अपने से बड़े लोग धर्म के प्रति कोई एक आदर भाव नहीं रखता, हर व्यक्ति को अपने से कम आंकता है और कोई इज्जत या आदर भाव दूसरों के प्रति नहीं रखता। ये एक टिपिकल क्वालिटी हम देख सकते हैं यहाँ पर। और जो मानसिकता होती है वो कूपमंडूक मानसिकता होती है, ये यहाँ बृहस्पति और राहु के युति से देखा जा सकता है। दूसरी एक चीज़ होती है कि राहु है आपकी इच्छाएँ, और यहाँ पर बृहस्पति और राहु दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो कि चीज़ों को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे इच्छा बहुत होती है व्यक्ति के भीतर, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ होंगी, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएँ होंगी, एम्बिशंस बहुत होंगे, पर एकाग्रता कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि यदि बृहस्पति कमज़ोर हुआ तो एकाग्रता कमज़ोर होगी, साथ ही साथ आपके भीतर एम्बिशंस तो बहुत हैं, डिज़ायर तो बहुत हैं, पर उसके प्रति कार्य नहीं करता व्यक्ति, समर्पण भाव नहीं होता, डेडिकेशन की कमी होती है कि हम अगर इच्छा रखते हैं तो उसके प्रति हमें कार्य भी करना चाहिए ताकि हमारी इच्छा की पूर्ति हो सके। तो आपके भीतर इच्छाएं तो हैं पर उन इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करने की जो क्षमता है वो व्यक्ति के पास नहीं होती, ये एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे गुरु चंडाल योग में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बृहस्पति जो है जब भी गुरु चंडाल योग बनाता है तो उसके भीतर की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो खत्म होने लगती हैं। और बृहस्पति के आपके मॉरल वैल्यूज़, तो यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ अफेक्ट होते हैं, यानी कि व्यक्ति के भीतर हम कृतज्ञता का स्वभाव देख सकते हैं। कृतज्ञता यानी कि इनग्रैटिट्यूड, जीवन में कभी किसी व्यक्ति ने आपकी सहायता करी, आप उसको रिकग्नाइज नहीं करते कि हाँ फलां फलां व्यक्ति ने कभी मेरी सहायता की थी, तो वो एक इनग्रैटिट्यूड जो है, कृतज्ञता जो है, वो यहाँ पर गुरु चंडाल योग से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हिपोक्रेसी यानी कि अपने ही बनाए हुए नैतिक मूल्यों को कटाक्ष कर देना, उनको ख़त्म कर देना जब अपनी बारी हो उनके एप्लीकेशन की। दूसरों को ऐसा व्यक्ति बहुत बताते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ऐसा करना चाहिए, पर जब खुद की बारी आती है दे डू नॉट अप्लाई इवन अ सिंगल थिंग, अपने ऊपर एक भी चीज़ का एप्लीकेशन नहीं करते, तो वो हिपोक्रेसी है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये सारे नतीजे फिर से मैं बता दूँ, हम यही देख रहे हैं, जब बृहस्पति जितना ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएगा उतनी ज़्यादा नकारात्मक गुणों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी जीवन में। अब एक और बात कि चंद्रमा को ज़रूर देखिए, चंद्रमा यदि
कुंडली में कुपित है, पीड़ित है, नीच राशि में है, खराब स्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या उनके साथ है, पाप कर्तृ योग में है, नवमांश कुंडली में स्थिति उसकी फिर से खराब है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि मानसिकता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। गुरु चांडाल योग ऑलरेडी खराब कर ही रहा है, पर यदि चंद्रमा भी कमज़ोर हो गया तो मानसिकता सीधे तरीके से मलिन हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपकी मानसिकता, बृहस्पति क्या है, आपका चरित्र। तो चरित्र और मानसिकता यदि पीड़ित हो गए, यदि खराब हो गए, कुपित हो गए, दुष्प्रभाव इन पर आया तो दोनों प्रदूषित होंगे, दोनों खराब होंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर तामसिक ऊर्जा व्यक्ति के भीतर अत्यधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु बढ़ा देगा और चंद्रमा कमज़ोर हुआ, बृहस्पति कमज़ोर हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर तामसिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये क्या दिखा सकता है, ये दिखा सकता है मानसिक कुटिलता, झूठ बोलने की अत्यधिक प्रवृत्ति। व्यक्ति कभी छोटी छोटी बातों में झूठ बोले, वो हम इससे देख सकते हैं। और कोई भी बुरी संगति, और क्योंकि यदि चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो आपके भीतर जो है कोई अपना एक मत नहीं रहेगा, आपको कोई भी व्यक्ति जो सिखा देगा आप समझ सकते हैं। बहकने की जो क्षमता है वो चंद्रमा आसानी से दे देता है अगर पीड़ित हुआ तो खराब संगति यहाँ पर हम देख सकते हैं, और खराब संगति के चलते व्यक्ति के भीतर और नकारात्मक गुण बढ़ सकते हैं, खास तौर से किसी प्रकार की बुरी लतें, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स हो, सेक्सुअल एडिक्शंस हो, कुछ भी हो, ये हम देख सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति क्या है, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण, योर कंट्रोल ओवर योर सेंसेस इज जुपिटर। अगर जुपिटर और राहु साथ आए या गुरु चंडाल योग बना तो ये क्या दिखाता है, और बृहस्पति यदि कमज़ोर है, ये दिखाता है कि इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है व्यक्ति के, देर इज नो कंट्रोल ओवर सेंसेस। अब इंद्रियों पर क्योंकि नियंत्रण नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी तामसिक ऊर्जा बढ़ गई, शरीर रिपू बढ़ गए, और ये सारी जितनी बुरी लतें जीवन में आ सकती हैं व्यक्ति की, वो आनी शुरू हो गई आपकी संगति खराब होने के चलते। और खासतौर से यदि चंद्रमा कुपित हुआ तो ये लक्षण हमें व्यक्ति के जीवन में अधिकतम समय देखने को मिलते हैं, और जो सीवियर एडिक्शंस हैं वो होते तभी हैं जब बृहस्पति कमज़ोर हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जो कि हु इज़ अ सफरर ऑफ एडिक्शन, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो ये 100% ऐसा होगा कि बृहस्पति कमज़ोर है कुंडली में। अगर बृहस्पति मजबूत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति एडिक्शंस का शिकार हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, कभी नहीं हो सकता अगर बृहस्पति मजबूत है कुंडली में। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जुपिटर की इम्पॉर्टेंस कुंडली में, ज्योतिष में होती क्या है, आप इसको जो है लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि जुपिटर की इम्पॉर्टेंस है क्या ज्योतिष शास्त्र में। उसमें ज़रूर समझ सकते हैं कि बृहस्पति कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। तो खैर, अब हम फिर से इस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बुरी लतें हैं ये हम इससे देख सकते हैं गुरु चंडाल योग से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलिसिट रिलेशंस, ये इससे देखे जा सकते हैं, अत्यधिक क्रोध, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में, ये इसकी कुछ गुण हैं गुरु चंडाल योग के। बृहस्पति कमज़ोर होना चाहिए, जितना ज़्यादा कमज़ोर उतना ज़्यादा नकारात्मक, ये है। और एक और चीज़ होती है, एक तरीके से आप समझ लें निशानी, गुरु चक्र जो होता है यहाँ पे शिखा स्थान है व्यक्ति का, ये बिल्कुल बीच का हिस्सा, यहाँ से व्यक्ति के बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ने शुरू होते हैं। खास तौर से ये होगा तभी यदि आपकी बृहस्पति गुरु की दशाएं चल रही हैं, क्योंकि गुरु चंडाल योग के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये लाइफ टाइम आपको नहीं दिखाई देंगे, ये दिखाई तभी देंगे जब इनकी दशाएं शुरू होंगी, क्योंकि योग तभी घटित होता है जब दशा हो। तो दशा यदि है तो फिर इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के यहां से बाल कम हो रहे हैं तो उसका गुरु चंडाल योग बन रहा है, उसका बृहस्पति खराब है, ऐसा नहीं है। ये है कि यदि कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है और यहाँ से गुरु चक्र से शिखा स्थान से व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू होते हैं तो ये एक और निशानी है कि बृहस्पति कमज़ोर है व्यक्ति का, राहु की स्थिति ज़्यादा मजबूत है कुंडली में। और ख़ास तौर से महिलाओं की कुंडलियों में यदि देखा जाए तो महिलाओं की कुंडलियों में बृहस्पति सब कुछ होता है, विवाह का कारक है, पति का कारक होता है। यदि गुरु चंडाल योग बनता है और गुरु की स्थिति राशि के हिसाब से, भाव के हिसाब से कमज़ोर है, अन्य पाप ग्रहों से दृष्ट है, नकारात्मक है, तो ये वैवाहिक सुख
नहीं देता व्यक्ति को। महिलाओं की कुंडलियों में स्पेसिफिकली दाम्पत्य सुख में भारी कमी इससे हम देख सकते हैं। जुपिटर जो है यानी बृहस्पति आपके फाइनेंसेस का कारक है, धन का कारक है, तो ये क्या दिखाता है कि यदि बृहस्पति कमज़ोर हुआ तो हम इससे देख सकते हैं कर्ज की समस्या, आर्थिक अस्थिरता यानी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। और धन यदि व्यक्ति के पास होता भी है तो ज़रूरत पड़ने पर, जब आवश्यकता होगी तब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि भाई आपके पास धन है पर वो फंस चुका है, आप उसको निकाल नहीं सकते। गुरु चंडाल योग यदि बनता है तो और नकारात्मक है तो ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं। साथ ही साथ लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर इफेक्ट होता है, खासतौर से यदि ये पाँचवें भाव में है, ग्यारहवें भाव में है या पाँचवें भाव को सीधे दृष्टि दे रहा है तो ये लीवर प्रॉब्लम्स दिखा सकता है। पर वहाँ पे बृहस्पति को ख़राब होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो अच्छा है तो फिर यहाँ पे उतने लीवर प्रॉब्लम्स हम नहीं देख सकते। पर यदि बृहस्पति कमज़ोर हो गया, मंगल शनि जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह भी उसको दृष्टि देते हैं या उसके साथ बैठते हैं, तो लीवर प्रॉब्लम्स इससे 100% होती हैं व्यक्ति के। और लीवर प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपके भीतर किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हैं, खासतौर से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वगैरह है, तो आप सिंपल सी बात है लीवर तो सीधा इफेक्ट होगा उसमें, तो लीवर प्रॉब्लम्स हम इससे देख सकते हैं। पित्त इररेगुलर है, और लीवर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो पित्त इररेगुलर है बॉडी में, ये भी होता है इस वजह से। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बृहस्पति क्या है, पवित्रता। बृहस्पति आपके नैतिक मूल्य हैं, आपके संस्कार हैं, वो मलिन हो रहे हैं राहु के संपर्क में आने से। और ये दिखाता क्या है, यदि चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये दिखाता है कि अब कहीं ना कहीं भ्रष्टता आएगी उन नैतिक मूल्यों में, उन संस्कारों में। तो एक जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग एक तरीके से रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, किसी भी पोजीशन पे हों, छोटे हों या बड़े लेवल पे हों, इट डजेंट मैटर, वो हम इससे देख सकते हैं क्लियरली। क्योंकि बृहस्पति राहु यानी गुरु चांडाल योग यदि बनता है तो ये स्थिति यहाँ पे होती, क्योंकि बृहस्पति क्या है, कानून का पालन करने वाला ग्रह। राहु क्या है, राहु ऐसा ग्रह है जो कि कानून को तोड़ता है, तो राहु का एलिमेंट अगर ज़्यादा हुआ तो व्यक्ति कानून तोड़ेगा, पालन नहीं करेगा उसका, ये सिंपल सी चीज़ है। इसके अतिरिक्त अब एक और चीज़ हम देख सकते हैं, वो है बृहस्पति संतान का कारक है, तो संतान होने में भी परेशानी दे सकता है ये। यदि पाँचवा भाव या पाँचवें भाव का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये हम इसे देख सकते हैं कि संतान होने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ परिणाम है जो कि हम देख सकते हैं गुरु चंडाल योग से, और ये नकारात्मक परिणाम है ऑफकोर्स, पर ये होंगे तभी जब बृहस्पति कुंडली में बहुत बलहीन है, तभी होंगे। यदि नहीं है तो अब कुछ परिणाम जानते हैं जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं। तो बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राशि जरूर देखिए बृहस्पति की, किस राशि में है। तो जिस राशि में, अच्छी राशि में स्थित है तो फिर पॉजिटिव परिणाम देखिए। और बृहस्पति डिग्री वाइज जो है कम डिग्री का है, और राहु या केतु ज़्यादा डिग्री के हैं, तो ये भी बृहस्पति को मजबूत बनाएगा। नवमांश कुंडली में ये योग, गुरु चंडाल योग रिपीट नहीं कर रहा है और बृहस्पति मजबूत हो रहा है नवमांश कुंडली में, अच्छी स्थिति में है, तो भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है बृहस्पति यदि वक्री नहीं है तो भी इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी बृहस्पति के पास अब शक्ति आने लगती है। बृहस्पति को किसी अन्य अच्छे ग्रह का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ पर भी बृहस्पति के पास बहुत अच्छी शक्ति आने लगती है कि भाई उसके पास एक सपोर्ट है कि यहाँ पर जुपिटर स्ट्रांग है। तो यदि जुपिटर स्ट्रांग है तो अब कुछ पॉजिटिव लक्षण भी आएंगे स्वभाव में, और जो नकारात्मक परिणाम है उनमें कटौती होगी व्यक्ति के। तो जो सकारात्मक परिणाम है वो क्या है कि ऐसा जो योग है यहाँ पर व्यक्ति को ये इनोवेटिव थिंकिंग देता है, गुरु चंडाल योग बहुत अच्छी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहें, एक अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहें, ऐसी मानसिकता और विचारधारा देता है कि व्यक्ति के भीतर क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन में है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, सिनेमा हो, फोटोग्राफी हो, वो हम इससे देख सकते हैं। तो बृहस्पति नो डाउट अच्छा होना चाहिए, और ये तभी होगा भी इससे, और ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं।
ये योग जो है रिसर्च यानी कि शोध के लिए, आविष्कार के लिए बहुत अच्छा है। वैज्ञानिक हम इससे देख सकते हैं, शोधकर्ता इससे देख सकते हैं। यदि बृहस्पति गुरु चंडाल योग बनाता है और बृहस्पति मजबूत है, बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हैं, तो ये व्यक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति शोधकर्ता बन सकता है, साइंस में पढ़ाई कर सकता है, इन्वेंशंस या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहें वो यहाँ पर प्रदान करता है बृहस्पति। और बृहस्पति, और एक और बात ये है कि यदि कुंडली में चंद्रमा और बुध पीड़ित हो जाते हैं, मान लीजिए चंद्रमा और बुध पीड़ित हैं और बृहस्पति बलहीन है, तो एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो मानसिक या शारीरिक विकास है वो भी कम हो सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, तो आपका जो शारीरिक शारीरिक ग्रोथ हो या शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। पर यह होगा तभी जब बृहस्पति कमज़ोर हो जाए, और चंद्रमा और बुध कमज़ोर होने चाहिए तभी हम इसको देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब एक और बात कि ये राजनीति के लिए भी अच्छा है, यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत है तो ये राजनीति में जाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि अन्य योगों को भी देखें तो राजनीतिज्ञ हम इसे देख सकते हैं, खासतौर से छठे आठवें या दसवें भाव में स्थित हो। तो गुरु चंडाल योग व्यक्ति को ज्योतिष का और किसी भी ऑकल्ट विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को ऐसे सब्जेक्ट्स में रुचि हो सकती है। और अब जानते हैं बृहस्पति केतु के बारे में। देखिए, जब भी गुरु और केतु एक साथ हों तो यहाँ पर राशि जरूर देखिए, ठीक है। राशि सबसे महत्वपूर्ण है, और यदि राशि अच्छी है, बृहस्पति मजबूत है, तो ये योग बहुत आध्यात्मिक योग माना जाता है। और यहाँ पर व्यक्ति को ये रुझान भी देता है कि व्यक्ति ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष यानी कि या फिर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, ऐसा कोई भी क्षेत्र हो, ज्योतिष हो, इन सब में ज्ञान लेता है, योग है, साधना है, इसमें व्यक्ति का रुचि बढ़ाता है ये योग, यदि जो बृहस्पति और केतु एक साथ हैं तो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आध्यात्मिक योग भी है। तो यदि ऐसी स्थिति में राशि अच्छी है, भाव अच्छा है, तो ये अध्यात्म के लिए और खासतौर से रिसर्च वगैरह के लिए तो अच्छा है ही, पर आध्यात्मिक बनाता है व्यक्ति को। तो ये कुछ पॉजिटिव जो है आपके रिजल्ट्स भी हैं, यानी कि सकारात्मक परिणाम भी हैं जो कि यहाँ पर गुरु चंडाल योग देता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि गुरु की स्थिति को ज़रूर देखिए। अब आप समझ चुके होंगे कि गुरु की स्थिति यहाँ पर देखना कितना ज़रूरी है। थोड़ी सी चेंजेस उसकी स्थिति में पूरे परिणामों को ऊपर से नीचे तक बदल सकते हैं। तो यही मेरा पूरा दृष्टिकोण था गुरु चंडाल योग के बारे में। अब अगर कुछ उपाय के बारे में बात करें तो उपाय, गुरु चंडाल योग यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो सिंपल सा उपाय है कि यदि आपके भीतर नकारात्मक परिणाम ज़्यादा हैं, नकारात्मक गुण ज़्यादा हैं, तो सबसे पहली बात तो उन्हें कम करना शुरू करें, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करिए, उसको कम करना शुरू कीजिए, अन्यथा कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरी एक चीज़ है, अगर हम धार्मिक उपायों की बात करें तो भगवान शिव की आराधना व्यक्ति कर सकता है। और इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि हल्दी जो है, हल्दी की एक गांठ होती है, उसको पीले धागे में आप पहन सकते हैं किसी भी थर्सडे को यानी गुरुवार को, और कच्ची हल्दी की जो गांठ होती है वो खड़ी हल्दी की वो पहन सकते हैं। और हल्दी जो है डेली अपने खाने में खाना भी शुरू कीजिए, हल्दी जो है चूस के खा सकते हैं या थोड़ा सा पाउडर उसका दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उसको भी खा सकते हैं। पर ये जो उपाय हैं ये धीरे धीरे करके काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप अपने भीतर परिवर्तन लेके आइए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये अन्य ज्योतिषीय उपाय हैं जिनके कारण थोड़ी मदद मिलेगी, पर परिवर्तन स्वयं से करना ही पड़ेगा। तो यही पूरे गुरु चंडाल योग के बारे में मेरा पूरा दृष्टिकोण था। अब आप समझ चुके होंगे कि गुरु चंडाल योग का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।